हेलो दोस्तों, सिलाई मशीन डबल टू में आपका स्वागत है। दोस्तों एक सिलाई मशीन बनने के लिए आई है और वो फ्रेंड्स नीचे का बॉबिन केस का धागा ऊपर नहीं उठा रही है, नीचे का धागा ऊपर नहीं उठा रही है मशीन, और बार बार सुई अंदर जाती है और ऊपर सिंगल धागे में निकल आती है, नीचे का धागा ऊपर नहीं लाती है। तो उस धागे को हम कैसे ऊपर उठाएंगे और मशीन को कैसे ठीक करेंगे वो आपको इस वीडियो में बताएंगे। नीचे का धागा ऊपर नहीं उठाती है तो मशीन को कहाँ से कैसे ठीक करना है, जो नीचे का बोबिन केस का धागा ऊपर नहीं मशीन उठाती तो उसकी जो शटल की सेटिंग है और सुई की जो सेटिंग है वो गड़बड़ होती है। दोस्तों उस सुई की सेटिंग को शटल की नोक से मिलाना है और उसकी सेटिंग ठीक करके मशीन का धागा ऊपर निकाल के दिखाएंगे इस वीडियो। दोस्तों इस मशीन के बारे में हम आपको बता रहे थे, ये सिलाई मशीन दोस्तों जो नीचे का बोबिन केस का धागा होता है उसको ऊपर नहीं उठाती है। उस मशीन के धागे को उठाने के लिए हमें ये मशीन कहाँ से ठीक करनी होगी वो आपको इस वीडियो में बताएंगे कि मशीन नीचे का धागा बोबिन केस का धागा ऊपर नहीं उठाए, नीचे का धागा ऊपर नहीं उठाए तो उसको कहाँ से कैसे ठीक करना है हमें वो आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो ये ब्रांड्स, सबसे पहले हम इस मशीन में धागा डाल लेते हैं यहाँ से इस तरीके से। ऐसे डालने के बाद इस धागे को यहाँ से ऐसे पकड़ेंगे और ऐसे स्प्रिंग में डाल देंगे, ऐसे निकाल लेंगे और इसके बाद इस वाले होल में पीछे से डालेंगे, ऐसे निकाल लेंगे इसको। ये देखिए अब सुई में डालेंगे नीचे, सुई में नीचे धागा डल चुका है ये देखिए। अब फ्रेंड्स हम आपको इसकी नीचे का धागा यहाँ पर आपको इसकी डब्बी लगा के बता देते हैं। ये देखिए यहाँ से इसकी डब्बी का धागा, ये डब्बी का धागा ये देखिए, ये रहा नीचे ब्लू कलर का धागा है दोस्तों ये देखिए। अब इस धागे को हमें ऊपर उठाना है, नीचे के धागे को डब्बी लगा देते हैं इसकी। ये देखिए ये नोक इसमें बैठनी चाहिए, ऐसे करके डब्बी ऐसे लगता है ये देखिए। हमारी सुई बार बार नीचे जाती है, हमारी सुई बार बार नीचे जाती है और ये मशीन हमारा नीचे का धागा ऊपर नहीं ला रही है। ये देखिए फ्रेंड्स मशीन बार बार नीचे सुई जाती है और धागा ऊपर नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड्स ये कमी कहाँ से और कैसे ठीक करेंगे इसको वो आपको इस वीडियो में बताएंगे। ये देखिए धागा ऊपर आ ही नहीं रहा है नीचे वाला। तो दोस्तों हमारी मशीन ये देखिए धागा बिल्कुल ऊपर नहीं उठा रही है और हमारी मशीन में कहाँ पर प्रॉब्लम है वो आपको बताएंगे। ये देखिए धागा बिल्कुल ऊपर नहीं ला रही है। तो हम सबसे पहले इस पटरी को खोलेंगे और पटरी को खोलने के बाद अंदर इसमें इसकी सुई की सेटिंग करेंगे और आपको बताएंगे कहाँ से प्रॉब्लम होती है। तो हम सबसे पहले इसकी ये वाली धागा निकाल देते हैं और इस प्लेट को खोलेंगे, इस प्लेट को खोलेंगे अब हम। ये देखिए दूसरा नट खोल रहे हैं, एक नट खुल गया, अब दूसरा भी खोल देते हैं और बहुत ही अच्छे से बताएंगे। दोस्तों ध्यानपूर्वक आपको देखना है, अपनी मशीन घर पर ही ठीक कर पाओगे। और ये स्लाइडर इस तरीके से पीछे कर देते हैं और इस तरीके से बूट उठा के प्लेट को बाहर निकाल लेंगे। आपको अच्छे से समझाने के लिए बूट को भी खोल लेते हैं हम इस तरीके से, यहाँ से ऐसे करके ये बूट खुल जाएगा इस तरीके से। ये देखिए बूट खुल गया, मशीन में दोबारा से धागा डाल लिया है और ये देखिए हमारी मशीन नीचे जाती है सुई और सुई शटल में, शटल की नोक तक दोस्तों पहुँचती नहीं है। ये देखिए हमारा धागा इसलिए वापसी आ जाता है क्योंकि जब धागा नीचे तक जाएगा तभी हमारा ऊपर आएगा। तो ये वाला धागा दोस्तों हमारा देखो, सुई धागा लेके नीचे जाती है और ये हमारा नीचे का धागा है, ये वाला नीचे का धागा दोस्तों, ये वाला जो डब्बी का धागा होता है इसको धागे को ये देखिए ये ऊपर नहीं लेके आएगी, वापसी आ जाएगी। तो दोस्तों हमारी इस सुई की जो सेटिंग है वो ख़राब है, हमारी ये जो सुई है ये हमें और हल्का नीचे करनी पड़ेगी, ये चलते चलते ऊपर आ गई है, इसको नीचे कैसे करेंगे वो आपको बताएंगे इस वीडियो में। ये हमारी जो सुई की सेटिंग है वो गड़बड़ है, ये देखिए धागा बार बार ऊपर आ जाता है, ये देखिए ऊपर लेके ही नहीं आ पाता है ये मशीन धागे को, ये देखिए ये धागा ऊपर जब आएगा जब हमारी सुई की सेटिंग सही होगी। अब हमें क्या करना है, ये सबसे पहले धागा हटा देना है, नट को लूज करके ये आगे का मत्था हटा देंगे पहले, दो मिनट का काम है दोस्तों, हाल ठीक कर लोगे मशीन को, टाइम नहीं लगेगा।
और ये देखिए मशीन के बैक साइड में यहाँ पर एक होल होता है, आपको दिखा देते हैं। ये देखिए दोस्तों ये वाला होल होता है, ये वाला, इस होल में हम पेचकस डाल के और इस गज को लूज करेंगे और फिर उधर से गज को नीचे करेंगे। ये देखिए दोस्तों हमारा गज के इस मुट्ठे में बैक साइड में नट होता है, तो हमारा ये पेचकस यहाँ से, ये देखिए यहाँ पार आ गया होल में से, तो इसको हमें ऐसे करके नीचे कर लेंगे। ऊपर होगा तो नट खुलेगा नहीं, इसको ऐसे नीचे करने के बाद यहाँ से ये पेचकस लगाएंगे ऐसे करके, और ऐसे करके ये लूज हो जाएगा। और ये देखिए ये ऊपर नीचे अपने आप हिलने लग गया। अब इसको हम कितना नीचे लूज करेंगे, यहाँ पर हमें कितना नीचे करना है वो नीचे की सेटिंग देखेंगे। अब ये देखिए हमें कितना ये नीचे ज़्यादा हो चुका है, अड़ रहा है सुई हमारा, तो इसको हम हल्का सा ऊँचा कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हल्का लूज करने के बाद इसको इस तरीके से ऐसे इसको डब्बी को निकाल लेंगे पहले इस तरीके से। दोस्तों हम इसमें उंगली लगा लेंगे, और उंगली लगाने के बाद हम इसकी ऐसे नोक, इसकी सटल के नीचे उंगली लगा के सुई की नोक को अपने हाथ पर ऐसे टेक लेंगे इस तरीके से यहाँ, और इसका नट टाइट करेंगे यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर ही हमारा ये टाइट हो चुका है, और ये देखिए सही से काम करने लग गया, ना ही सुई कहीं अड़ रही है। अब आपको हम इसका धागा उठा के दिखाते हैं, ये दो मिनट में ही धागा पकड़ने लग जाएगी। इसी तरीके से घर पर आपको ठीक करना है। ये देखिए हमने डब्बी लगा दी है, अब इस तरीके से डब्बी को लगा देंगे और ऊपर का धागा डाल के दिखाते हैं आपको। और इसका ये जो कैप होता है उस कैप को लगा देंगे ऐसे करके, नट को टाइट कर देंगे। अब इसमें धागा डालते हैं, और धागा डालने के बाद आपको धागा उठा के भी दिखाएंगे, धागा डालने के बाद धागा उठा के भी दिखाएंगे आपको। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए धागा डल चुका है। ये देखिए फ्रेंड धागा डल चुका है। अब देखो ये बॉबिन के इसका ये जो नीचे वाला धागा है ये ऊपर लाएगी मशीन। ये देखिए फ्रेंड्स अब हमारी मशीन नीचे वाला धागा ऊपर लाएगी, इस तरीके से हमारी सुई जाएगी नीचे, और ये देखिए हमारी मशीन ने नीचे का धागा नीचे ही पकड़ लिया, और ये देखिए इस तरीके से हमारी मशीन ऊपर धागा ले आई। अब फ्रेंड्स हमारी मशीन ऊपर धागा ले आई है, और ये देखिए अब इसमें अंटे भरना स्टार्ट हो जाएंगे। ये देखिए, ये देखिए ये अंटे आ रहे हैं। अब हमारी मशीन बिल्कुल ठीक हो चुकी है, ये अंटे आना स्टार्ट हो जाते हैं, समझ लो धागा उठाने लग गई मशीन। अब इसमें हमें क्या करना है, इसकी प्लेट वगैरह लगा के और इसकी सिलाई करके दिखाएंगे आपको। ये देखिए बार बार हमारी मशीन पूरा टांका उठा रही है। कोई भी दिक्कत लगे दोस्तों ध्यान से मशीन की वीडियो देख लो, और अपनी मशीन घर पर ही ठीक कर लो। अब हम इसकी प्लेट लगा के और आपको सिलाई करके दिखाते हैं। अब इस धागे को हम यहाँ से काट के हटा देते हैं यहाँ से अलग, और इसमें प्लेट लगाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से प्लेट लगा देंगे, अब इसके नट टाइट कर देंगे इसमें लगा के, और हमारी मशीन सिलाई 100% देगी इसी तरीके से ठीक करोगे तो। हमारी मशीन सिलाई बहुत बढ़िया देगी अच्छे से, वीडियो देख के अच्छे से ठीक करोगे तो। नट फुल टाइट हो चुके हैं, कोई भी दिक्कत लगे कमेंट पर पूछ सकते हो। अब इसका बूट लगा देते हैं, इस तरीके से टाइट कर देंगे इसको। ये देखिए फुल टाइट हो चुका है, और इसका ये स्लाइडर भी लगा देंगे। अब मशीन में हम आपको सिलाई करके दिखाते हैं, उसी प्रकार धागा डाल लेते हैं, और हमारी मशीन बहुत ही अच्छे से सिलाई देगी। और ये देखिए सुई में धागा डल चुका है। ये देखिए फ्रेंड मशीन एक बार में ही धागा ऊपर लेके आएगी। ये देखिए हमारा नीचे का धागा ऊपर आ चुका है, और बिल्कुल ही प्रॉपर सिलाई देगा मशीन। ये देखिए धागा ये आ चुका है एक बार में ही। अब सिलाई करके दिखाते हैं आपको। इस तरीके से हम इसको उठा के धागे को पीछे कर देंगे, और ऐसे कपड़ा लगाएंगे, और ये देखिए हमारी मशीन बिल्कुल ही अच्छा सिलाई देगी। ये देखिए बिल्कुल ही प्रॉपर सिलाई आ रहा है,
और मशीन ने एक ही बार में धागा ऊपर उठा लिया है। ये देखिए, कोई भी दिक्कत लगे कमेंट में पूछ सकते हो। हमारी वीडियो दोस्तों सोमवार बुधवार शनिवार तीन दिन डाली जाती है। ये देखिए प्रॉपर सिलाई आ रही है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। जय जय भारत।